ये 5 साल में बहुत कुछ हो सकता था, उनकी जो है ना खामोशी और उनको उनका तजुर्बा ना होने की वजह से आज भी वो 1600 प्लाट हागरगे में जो 109 एकड़ का जो रेसिडेंशियल लेआउट है वो ऐसे ही पड़ा है। दिया उनको हम इज्जत करते हैं, 5 साल हमने एक मुस्लिम साहब की मोहब्बत में उनको और दिया, वो हिस्सा वहीं अब खत्म कर दीजिए। जो अनसाइंटिफिक तरीके से ड्रेन बनाए गए हैं सिर्फ गुप्तदारी के नाम पर रोड डाली गई है, फिर खोदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। बीजेपी ने क्या कहा और इन दिनों में नरेंद्र मोदी का बयान देखिए, अमित शाह का बयान देखिए, ईश्वरप्पा का बयान देखिए, क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग। एक गूंगी और मुखी क्यादत को यानी रहनुमा को आप इसके मामले को यहाँ पर खत्म कर दीजिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। मोहतरमुल मुकाम मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब और इस हलके के उम्मीदवार गुलबर्गा शुमाल मोहतरम जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब, मुअज्जिज़ उलमा इकराम, सियासी कायदीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये जो इजलास है, मैं समझता हूँ कि तमाम जितने भी जलसे हुए हैं, पदयात्राएं हुई हैं, सब की कुल मिलाकर उसका एक अहम मोड़ मैं ये कह सकता हूं कि आज जो फैसला होगा इंशाअल्लाह, अगर आप मुत्तफिका तौर पर सभी लोग एक होकर नासिर हुसैन उस्ताद के हक़ में अगर वोट देने का और मुहिम चलाने का ऐलान करेंगे तो यकीन जानिए गुलबर्गा को एक अच्छा लीडर और बीजेपी को शिकस्त करने का एक उम्मीदवार आपको यहाँ से इंशाअल्लाह मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वोट की अहमियत और मोहतरमा के 5 साल का जो दौर था वो क्या था, वो तमाम चीज़ें सामने आई हैं। मैं सिर्फ 2-4 बातें जो अहम हैं कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आगे हमारे पास क्या लाए अमल है, क्या मुस्तकबिल है, गुलबर्गे के क्या मसाइल हैं, उस पर मैं 2-4 मिनट अपनी बात को रखकर ख़त्म करूंगा, क्योंकि मौलाना ने इशारा दिया है कि उनको भी दूसरे जलसे में जाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहसत रुकन के वो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, हज कमेटी के मेंबर रहे और जीडीए के मेंबर रहे। मुझे 2 बार जीडीए चेयरमैन बनने का मौका मिला तो मैंने बड़ी ईमानदारी से रिंग रोड का, आउटर रिंग रोड का काम किया। उसके बाद आपने देखा कि 5 साल में मैंने जब वो हागरगा का रेसिडेंशियल का जो 1600 प्लाट थे उसमें मेरी और खम इस्लाम साहब की ख्वाहिश थी कि वहाँ पर उलमा इकराम को और उर्दू के अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब भी हैं कि उनको एक ब्लॉक वहाँ पर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुके हैं, कैबिनेट की मंजूरी भी हो गई, टेंडर भी काम चल रहा है, अब अलाटमेंट करना बाकी है। ये 5 साल में बहुत कुछ हो सकता था, उनकी जो है ना खामोशी और उनको उनका तजुर्बा ना होने की वजह से आज भी वो जो 1600 प्लाट हागरगे में जो 109 एकड़ का जो रेसिडेंशियल लेआउट है वो ऐसे ही पड़ा है। तो इंशाल्लाह अगर भारी अक्सरत से आप नासिर हुसैन उस्ताद को जिताते हैं तो मेरा तजुर्बा है और मैं उनको उनको भी वो भी खूब जानते हैं कि वहाँ पर जो हमारा हागरगे का जो अच्छे खासे वहाँ पर प्लाट डाले गए हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर जो बेगर अफराद हैं, जो आप लोग उनका आप लोगों का जो देरेना मुतालबा है वो ज़रूर फुलफिल होगा। और साथ ही साथ ईदगाह का जो मैदान है आप देख रहे हैं कि वो भी कुछ भी काम नहीं हुआ है, पूरे गेट टूट कर गिर गए हैं, वहाँ पर भी एक फर्शी भी 5 साल में उन्होंने वक्फ से 5 पैसे उसको ग्रांट नहीं आया। हालांकि मैं और खम इस्लाम उस ईदगाह और हजरत के बानी हैं और हजरत को लेकर के जो 5 साल में आपने देखा कि 2 करोड़ 1 करोड़ कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। तो ये अहम चीज़ें हैं, हजरत का जब मामला ग्रांट होकर आएगा, ज़मीन हमारे पास 5 एकड़ मौजूद है, तो उबैदुल्ला खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, नासिर साहब भी हैं, वो पाँच एकड़ ज़मीन में हजरत का हमने नक्शा भी तैयार किया है, उस पर भी काम होगा, एक बड़ा अच्छा सा हजरत वहाँ बन करके आएगा। और आउटर रिंग रोड का भी प्रपोजल सामने है हमारे, वो भी अनकरीब अगर सब भी मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद को जिताते हैं, हम हैं, इलियास सेठ हैं, हम सब मिलकर हमने अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है, वो तजुर्बा इनको बहुत कारामद साबित होगा। और आगे जो भी मसले हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, ओवर टैंक है, बहुत सारे काम हैं जो अनसाइंटिफिक तरीके से ड्रेन बनाए गए हैं सिर्फ गुप्तदारी के नाम पर रोड डाली गई है, फिर खोदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो शहर को भी खूबसूरत भी करना है, मिली के जो मामले हैं उसको भी हल करना है, और साथ ही साथ हमारा जो आगे के जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, आपने देखा कि 5 साल में बीजेपी ने क्या कहा, और इन दिनों में नरेंद्र मोदी का बयान देखिए, अमित शाह का बयान देखिए, ईश्वरप्पा का बयान देखिए, क्या नहीं कह रहे हैं वो लोग। इसके बावजूद भी आज भी वो हमारे दरमियान पदयात्रा कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज बीजेपी के खिलाफ, किसी लीडर के खिलाफ उस बयान की मजम्मत तक नहीं कर सक रहे हैं। और कल भी मैंने देखा कि मस्जिद खैसर महमूद मनियार का एक संगी बुनियाद है, वो मस्जिद उनका नाम खैसर महमूद मनियार भी बोलने नहीं आ रहा उनको, और महल्ले का नाम भी मालूम नहीं, ले जा रही है कान में, बोल रही ये महिला है वो महिला। तो ये सब सारी चीज़ें हमने दिया उनको, हम इज्जत करते हैं, 5 साल हमने एक मुस्लिम साहब की मोहब्बत में उनको और दिया, वो खिस्सा वहीं अब ख़त्म कर दीजिए। अब हमको बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंजेस है, फितने हैं, नए हैं, नए एक्सा सिविल कोर्ट की मौलाना ने बात की, अब NRC भी उन्होंने कहा है उसके साथ, ये नहीं आप लोगों ने नहीं सुना, एक्सा सिविल कोर्ट फर्स्ट सेकेंड NRC हम कर्नाटक से लागू करेंगे। तो NRC में नासिर हुसैन उस्ताद मारुति मानपड़े आज हमारे दरमियान नहीं है, हम और दीगर लोग लीडर मिलकर मदर हुसैन एडवोकेट हैं कि कैसा काम किया, हमको हाउस अरेस्ट किया गया, 144 तोड़े, हमको गोली मारने का भी चांसेस थे, तो हमने उसको फेस किया। तो वो नौजवान आपके सामने आ रहा है, आपने उसको टेस्ट किया है, तो आप NRC के लिए हमको तैयार होना है। तो ये सब हम पूरी बड़ी टीम है उनको साथ देगी, और आपका ये फर्ज है कि आप अच्छे और ईमानदार आदमी को आपको चुनकर आगे लाना है। याद रखो ये टर्निंग पॉइंट है, ये इनखलाबी आपको फैसला लेना है, अगर यहाँ अगर हम फैसला नहीं लेंगे तो यकीन मानिए कि आने वाले 25 सालों में हम फिर अपनी क़यादत को ढूंढते रह जाएंगे, और हमारी नई नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। डीलिमिटेशन का भी मामला है, डीलिमिटेशन में भी हमारी ये सीट 100% उसको उड़ जाएगी, अगर सही नुमाइंदा अगर वहाँ पर बैठता है तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक गूंगी और मुखी क़यादत को यानी रहनुमा को आप इसके मामले को यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, एक नए हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ नासिर हुसैन उस्ताद को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर के इंशाल्लाह इनको जीत दिलाने की हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। शुक्रिया।